दोस्तों आज का पावर कंपैरिजन हम करेंगे, पावर टेस्टिंग। ये देखिए, सबसे पहले ये डायना 11, एक ये है हमारे पास में, एक एसडीबी की स्नाइपर है और इससे भी हम पावर टेस्टिंग करेंगे। एक NX 200 है और एक NX 100 की ये है हमारे पास में। ये चारों का हम पावर टेस्टिंग करेंगे। सामने हमने तीन पीपे रख के रखे हैं और अभी फिलहाल हमारे पास ये वाले पैलेट थे। पैलेट तो भाई हम सेम पैलेट इन चारों से चलाएंगे, जरूरी नहीं कि हॉर्नेट हो। हम एक एक गन से इसका देखते जाएंगे कि क्या बनता है। चलिए, सबसे पहले हमारी रखी है डायना 11, तो सबसे पहले हम इससे दो शॉट चलाएंगे सबसे ऊपर डायना 11 से। ये तो अभी हमने दिखा दिया था आपको, डायना 11 है। और डायना 11 की खासियत देखिए, इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक साइट्स हैं और जब हम इसे लोड करते हैं तो यहाँ पे इसका ये बेयरिंग आता है। ये डायना की खासियत है, ओल्ड मॉडल में इसके बेयरिंग आते थे लॉकिंग सिस्टम में। चलिए हम दो दो पैलेट दोनों सबसे चला करके देखेंगे क्या बनता है रिजल्ट। आपको पहले डायना 11 का रिजल्ट दिखाते हैं, जो कि दोस्तों सिर्फ अच्छा खासा डेंट दिया है, बाकी उससे ज़्यादा अंदर नहीं जा पाई है या एंट्री नहीं कर पाई है। थोड़ा सा आप देख के पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ वापस अपनी जगह पे। जाइए, अब हमारी बारी है एसडीबी स्नाइपर की। ये दिखाइए स्नाइपर, ये अब एसडीबी स्नाइपर को हम चलाएंगे दो शॉट। डायना 11 में सिर्फ डेंट दिया है इस पैलेट से, अब स्नाइपर देखते हैं क्या करती है दो शॉट हम चला करके। इसकी जो सेफ्टी है दोस्तों, ये मैनुअली है, ये ऑटोमेटिक नहीं है। आप इसे पीछे करोगे जब भी लॉक हो जाएगी, आगे करोगे तो अनलॉक हो जाएगी। चलिए इससे दो शॉट चला करके देखते हैं। इसने फाड़ा है, एक और शॉट हम चला करके देखेंगे इससे। दो दो शॉट हम सबसे चलाएंगे और एसडीबी स्नाइपर का रिजल्ट दिखाते हैं, देख के आना। ये देखिए एसडीबी स्नाइपर ने यहां से एंट्रियां की है और ये देखिए पीछे से एग्जिट भी किया है और सेकंड पीपे पे डेंट दिया है एसडीबी स्नाइपर ने। चलिए अब हमारी बारी है NX 200 की, तो देखते हैं NX 200 क्या करती है सेम पैलेट से। दिखाइए यहां पे NX 200, अब इससे देखते हैं दो शॉट चला करके। आइए देखते हैं NX 200 ने क्या किया है। ये देखिए, ये NX 200 के होल है। NX 200 ने भी पीछे देखिए यहां से फाड़ के चली गई है और यहां से भी फाड़ के चली गई है और एक डेंट दिया है NX 200 ने अच्छा खासा, यहां पे भी डेंट ही आया है। तो ये NX 200 का रिजल्ट है दोस्तों। ये सब हमने अभी बॉक्स में से निकाली है, तो हो सकता है कंपनी की इसमें ऑयलिंग हो किसी में नहीं हो, ये भी हो सकता है। हमने इसमें कुछ नहीं डाला है हमारी तरफ से ऑयलिंग वगैरह, कंपनी की डायरेक्ट जस्ट हम पैकेट में से निकाल के भी ला रहे हैं। ये सब न्यू पीसेस रखे हुए हैं। ये देखिए अब हम NX 100 चलाएंगे, ये भी न्यू, अभी हम इसको जस्ट निकाल के ही ला रहे हैं बॉक्स में से। तो हो सकता है कंपनी की किसी में ऑयल हो, जो रिजल्ट थोड़ा वेरी हुआ है इस वजह से। अब NX 100 को हम थोड़ा बीच में लेने की कोशिश करते हैं। आइए आपको NX 100 का रिजल्ट भी दिखाते हैं पास में, देख के आइएगा। तो NX 100 क्लब इलाइट ने भी सिर्फ डेंट ही दिए हैं अच्छे खासे, तो और इनके पैलेट यहीं पड़े हुए हैं। NX 200 ने कुछ थोड़ा सा हमें वो किया है कंफ्यूज। ये NX 200 का एक पैलेट यहां से एंट्री कर गया है और एक ने यहां पे डेंट दी है, बस यही इनका रिजल्ट है दोस्तों। बंद कर दो।